हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो जो है स्टार्टिंग के टाइम में जो है हाई करंट क्यों लेता है। और गाइस, मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊंगा कि हाई करंट लेने के बाद जो है ये नॉर्मल किस तरह हो जाता है। तो गाइस, एज ए टेक्निकल पर्सन आपको टेक्निकल इस चीज़ों का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं कि हमारे मोटर जो है हाई करंट क्यों पिकअप लेती है। तो गाइस, कुछ देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि हमारा ये जो मोटर है, ये मोटर जो है एज ए ट्रांसफार्मर के तरह जो है वर्क करती है। हमारे ट्रांसफार्मर में जो है होता है एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसे जो है आप मोटर के स्टार्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसे जो है आप रोटर के साथ जो है कंपेयर कर सकते हो। अब गाइस, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होता है, इसमें जो करंट होता है ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड होता है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है मेंटेन करता है। अब गाइस, वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। गाइस, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में हम लोग अगर प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले सप्लाई जो है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग्स में जाती हैं, उसके बाद जो है जो फ्लक्स जनरेट होता है उस फ्लक्स की वजह से हमारे सेकेंडरी में जाते हैं। सेकेंडरी में पावर जाने के बाद जो है करंट जनरेट होता है। और गाइस, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के जो करंट है उसको जो है ये मेंटेन करता है। ये कॉन्सेप्ट हम सभी लोगों को पता है, यानी कि बस स्टार्टिंग के टाइम में जो है बहुत हाई करंट हमारे ट्रांसफार्मर में जाता है और उसके बाद एक बार अगर करंट पूरा फिलअप हो जाए तो इसके बाद से जो है ये हमारा रनिंग पे आ जाता है। तो गाइस, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारे मोटर पे लगाया गया है। मोटर में भी जो है एक स्टेटर होते हैं और दूसरा रोटर। तो गाइस, सबसे पहले सप्लाई जो है हम लोग स्टार्टर पे देते हैं जिसके वजह से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे रोटर के साथ अलाइन होता है तो रोटर में जो है करंट बहना स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ा सा गैप जो है हमारा ये करंट फिलअप कर रही है और स्टार्टिंग के टाइम में इसलिए बहुत ज़्यादा करंट जो है हमारे मोटर गेन करती है। और एक बार ये गैप जो अगर पूरा फिलअप हो जाए, यानी कि हमारे रोटर तक अगर करंट पहुंच जाती है तो हमारा रोटर खुद फिर से जो है वो करंट को मेंटेन करती है, यानी कि हमारा जो मोटर का करंट है वो स्टार्टिंग के टाइम में जो इंक्रीज हुआ था अब वो जो है डिक्रीज हो जाती है। अब गाइस, एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को थोड़े अच्छे से समझ पाएं। बस मान लीजिए गाइस, दो बोतल है और इस बोतल का नाम भी मैं दिया हूँ कि नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन का जो बोतल है उस बोतल पे जो है हम लोग वाटर का इनलेट दे रहे हैं और नंबर टू में जो है एक नल लगा हुआ है जिसके थ्रू जो है पानी गिरेगा। और एक नंबर बोतल और दो नंबर बोतल को जो है एक पाइप के थ्रू जो है कनेक्ट किया गया है। अब गाइस, अगर आपको दो नंबर बोतल से पानी अगर चाहिए तो सबसे पहले हमारा पानी जो है एक नंबर बोतल में फिलअप होगा, फिर वो दो नंबर बोतल में फिलअप होगा, फिर जो है हमें उस नल से पानी गिरेगा। और इस पानी को आप एज ए जो है करंट के हिसाब से, यानी कि एम्स के हिसाब से जो है कोरिलेट कर सकते हैं। अब गाइस, स्टार्टिंग के टाइम में आप जो है एक नंबर बोतल पे जो है इनलेट तो दे दिए हैं पानी, लेकिन जब तक ये पहला बोतल फिलअप होगा, दूसरा बोतल फिलअप होगा, फिर जो है हमें उस जो है दो नंबर बोतल पे हमें जो है पानी मिलने लगेगा कंटिन्यू। तो गाइस, स्टार्टिंग के टाइम में ये जो गैप है, पहला बोतल का गैप, दूसरे बोतल का गैप और दोनों बोतल को जो ज्वाइंट किया हुआ है एक पाइप के थ्रू, उसका गैप जो है फिलअप करने के लिए स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी का जो है यूज़ किया जाता है। और एक बार अगर पानी दोनों बोतल में फिलअप हो जाता है तो इसके बाद जो है कोई भी टेंशन नहीं रहता है, जो है दो नंबर बोतल से हमें जो है पानी मिलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट को जो है यूज़ किया गया है हमारे इंडक्शन मोटर पे। हमारे इंडक्शन मोटर में भी जो है सबसे पहले सप्लाई हमारा स्टेटर पे आता है, उस जगह हमें जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे रोटर के साथ अलाइन होता है, फिर उस जगह में जो है करंट बहना स्टार्ट होता है। तो गाइस, ये बहुत बड़ा सा गैप जो है फिलअप होता है जिसके वजह से स्टार्टिंग के टाइम में जो है बहुत हाई करंट जो है हमारे मोटर लेती है। और एक बार ये हाई करंट लेने के बाद जब हमारे रोटर के तरफ का जो है पूरा करंट फिलअप हो जाता है तो हमारा रोटर जो है खुद इस करंट को मेंटेन कर लेता है। तो आई होप गाइस कि आपको मैं समझा सका कि आखिर किस तरह से जो है हमारे ये मोटर स्टार्टिंग के टाइम में हाई करंट लेता है और फिर से जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।